अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डीज़ डे किचन कॉर्नर। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल अरेबिक स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करूंगा। अरेबिक में इसको लोकेमत कहते हैं या इसको स्वीट डम्पलिंग कह सकते हैं। तो आज हम बेसिक और नोटेला वाले लोकेमत बनाएंगे। तो आइए अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो काइंडली मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अरेबिक ट्रेडिशनल स्वीट डिश लोकेमत बनाने के लिए 2 कप मैदा लिए, जिसको अच्छी तरह छान लिए, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिए, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिए, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिए, इसके अलावा 1 टेबलस्पून चीनी लिए, 1 टेबलस्पून यीस्ट लिए, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिए, 1 पिंच साल्ट लिए और 1.5 कप मैंने पानी लिया है। तो सबसे पहले इसका बैटर तैयार कर लेंगे और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि फर्दर प्रोसेस क्या करना है। तो सबसे पहले इसमें हम जितने भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल लेंगे। इनको मिक्स करने के बाद इसमें ऑयल डालेंगे, एक दफ़ा फिर इसी तरह इसको मिक्स कर लेंगे ऑयल डाल के। अभी इसमें पानी डाल देंगे और दोबारा इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस बैटर को हाथ की मदद से आपने बहुत ज़्यादा इस तरह मिक्स करना है और इसको स्टिकी बनाना है। अब देखें हमारी डो की कंसिस्टेंसी। अभी हमने इसमें सब इंग्रेडिएंट्स डाल के एक स्मूथ सी डो तैयार कर ली है। अभी हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। जितनी देर में डो राइज होती है इतनी देर में हम शुगर सिरप बना लेते हैं। तो मैंने 2 कप चीनी लिया, 2 कप पानी लिया। अगर आपने कम बनाने हो तो आप इसको हाफ ऑफ कर लें, लेकिन क्वांटिटी इक्वल यूज़ करनी है। अगर ये 1 कप चीनी लेंगे तो 1 कप भी आप पानी लेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने लीमू का रस लिया, 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस लिया और 4 सब्ज़ इलायची लिए। फुल फ्लेम पर पैन ऊपर चढ़ा लिया, इसमें चीनी डालेंगे और साथ ही पानी डाल देंगे और इसके हल होने तक इसको पकाएंगे। चीनी जो है वो पानी में हल हो चुकी है। अभी इसमें इलायची डाल देंगे। तो इसको बॉयल आ चुका है। अभी इसमें लीमू का रस डाल देंगे। तो हमने थोड़ा सा थिक करना है, इतना थिक करना है कि जब हम इसको इस तरह करें तो इसकी एक तार बन जाए। तो तकरीबन हमने इसको 5 मिनट पकाया है। अभी इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट और पका लेंगे। तो सिरप रेडी हो चुका है, अभी इसको उतार लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसमें से इलायची निकाल लेंगे, क्योंकि जो इलायची की खुशबू और एसेंस चाहिए था वो इसमें ऑलरेडी आ चुका है। तो हमें डो को रखे हुए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। देखें ये माशाल्लाह अच्छी तरह फूल चुकी है। आप कोई भी इस तरह की पानी की बोतल लें, सबसे पहले उसका ढकना उतार लें। इस ढकने में हम सुराख करेंगे। सुराख करने के लिए ये मेरे पास एक सीख है, इसको गर्म कर लेंगे। आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ से सुराख कर सकते हैं। बोतल को यहाँ से काट लेंगे और ढकना इसके आगे इस तरह लगा लेंगे। इसमें हम जो डो बनाई है उसको डालते जाएंगे इस तरह। ये जो
हमने काटा था उसको इस तरह इसके ऊपर इससे बंद कर लेंगे। इस तरह इसके ऊपर टेप लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। ऑयल ऊपर चढ़ा दिया है, इसको आप सही गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अभी इसमें डालते जाएंगे। तो ये रेडी हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। स्ट्रेनर में डाल लेंगे। अभी जो हमने लकमत फ्राई किए हैं उसको इस सिरप में डालते जाएंगे। इनको इसमें अच्छी तरह डिप करके फिर निकालेंगे। तो इनको अच्छी तरह इसमें डिप कर लिया, अब निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी सबको भी डाल लेंगे। हम कुछ जो है वो नुटेला वाले बनाएंगे, उसके लिए हम 1 टेबलस्पून दूध डालेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून नुटेला डालेंगे। सेकंड के लिए माइक्रोवेव में गरम करेंगे। इस मिक्स करने के बाद आप इस तरह का एक पाउच लेंगे, इसको ग्लास में इस तरह रखें। इसको आगे से थोड़ा सा काटेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे शुगर सिरप वाले और नुटेला वाले कितने ज़बरदस्त लुकमत बने हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आखिर में अपना, अपने आसपास वालों का, अपने अजीज़ों कारिब का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।